कुक्षी के बड़ना हादसे में बालिका की मौत के बाद टांडा में भाजपा और कांग्रेस के टकराव के बाद गंधवानी विधायक उमंग सिंगार के विरुद्ध हुए प्रकरण दर्ज को लेकर जिले भर के कांग्रेसों में आक्रोश देखा गया। इसी के चलते नालछा में बाग कांग्रेस के तत्वाधान में एक रैली निकालकर थाना प्रभारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए घटना का जिम्मेदार मुख्यमंत्री को बताते हुए उन पर मामला दर्ज करने की मांग करते हुए उमंग सिंगार के विरुद्ध दर्ज मामले को हटाने की बात कही। इसी दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता कार्यकर्तागण मौजूद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो जनसभा निकल रही थी उसके निकलने वाले मार्ग में तारों को अलग किया गया था, लेकिन उन तारों में करंट जारी था, उससे बालिका 6 वर्षीय बालिका पिंकी की मृत्यु हो गई। उसको मुआवजा एवं सहायता दिलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक उमंग सिंगार जी ने दिन भर प्रयास किया और उसके बाद उस बालिका के लिए चेक आया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों ने मिलकर श्रेय लेने के लिए उस चेक को कुछ समय रोके रखा। वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने उसे जबरदस्ती में प्रस्तुत किए एवं राजनीतिक इस्तेमाल किए और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के रूप में रवैया अपना कर उनके खिलाफ भी पकड़ दर्ज किया। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर पकड़ दर्ज हो एवं विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ कोई पकड़ दर्ज हो उसके लिए ज्ञापन दिया।